गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ। चलो हम अभी ग्रेविटेशन का मोशन ऑफ सैटेलाइट, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलो जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं है उन बच्चों को आप मैसेज करके यानी कि लिंक शेयर करिए, और जो बच्चे लाइव हैं और जो बच्चे बाद में लाइव आने वाले हैं उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो स्टार्ट होते ही आप इसे लाइक करना शुरू कीजिए। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चैनल की लिंक अपने दोस्तों तक इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ हम अक्सर अपने यानी कि अपने रिलेटिव्स में यानी कि अपने लोगों तक हम शेयर करते हैं। तो ओके, चलो दोस्तों देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिक्स के नीट जी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से रहते हैं और उनका किस तरह से हमें प्रैक्टिस करना होता है, इस बारे में हम अभी यहाँ देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो, इफ मोशन ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशन चैप्टर से हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, बोले तो सैटेलाइट की जो मोशंस, यानी कि सैटेलाइट कहाँ रहता है आपको मालूम है, समझो इस तरह से अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड, द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द स्काई। ओके, जनरली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, बट सम कुछ ऐसे सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सैटेलाइट अर्थ से, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट की उनकी हाइट डिफरेंट रहती है, यानी कि अगर वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहता हो तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट हाइट 35,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से ये 35,000 तकरीबन ये 35,000 किलोमीटर ऊंचाई से ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। ओके, तो चलो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन, 35,000 किलोमीटर यानी कि अर्थ जो सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से 35,000 ऊंचाई से अर्थ के सराउंडिंग में वो रिवॉल्यूशन करता है। ओके, तो इसके बारे में हम ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देख रहे हैं। इफ वी ई एंड वी जीरो रिप्रेजेंट द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी ओ चाहिए यहाँ, वी ओ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट corresponding to a circular orbit of radius r, then ये इस तरह से एग्जाम CPMT, MPPMT, KECET और AIM, एम्स एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलो देखो इसके ऊपर क्या है, कौन सा आंसर रहेगा इसका करेक्ट, v = √2 v0 = ve। चलो जल्दी आंसर दिया करो, v = v0 √2 और V एंड वी जीरो आर नॉट रिलेटेड। ओके, इस तरह से आपको ये इक्वेशन मालूम है, दिस वन इज द वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr, ये इक्वेशन है। ओके, और ये इक्वेशन के जरिए आपको वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर बोले तो दैट वी ई 2√2v0 इक्वल्स टू वी ई, इस तरह से इक्वेशन नंबर यानी कि अल्टरनेटिव बी इज दी करेक्ट हियर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, इफ आर बोले तो रेडियस, रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट है वो जो रिवोल्यूशन करता है उसकी रेडियस हम क्या लिए, यहां आर ले लिए। ओके, यम मास एम, उसका मास एम ले लिया हमने, उसका मास एम है, मूविंग अराउंड अ प्लानेट ऑफ मास एम, इस तरह से एक प्लानेट है और इसके अराउंड ये रिवोल्यूशन कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज गिवन बाय, तो उस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी, सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या रहेगी, आपको वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर और स्मॉल आर, इस तरह से मैंने इक्वेशन आपको दिया है। ओके, दिस वन इज द डी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, चलो थोड़ा सा जल्दी आंसर दे दो,
थोड़ा सा जल्दी फास्ट फास्ट आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए, फास्ट आंसर चाहिए। चलो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कि नीचे से करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। कौन सी है देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इंक्रीजेस विथ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बी एस्केप, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इंक्रीजेस विथ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज होती है रेडियस के बराबर, ओके। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द स्पीड विथ विच द विच इट इज फायर, ओके। द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। एंड थर्ड डी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके। वी ओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोले तो क्या, वी ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बराबर है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये है। चलो क्वेश्चन नंबर डी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो चलो जल्दी फास्ट, सबका आंसर मुझे बहुत फास्ट चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी आंसर इज द करेक्ट, नेहा कोपरडे, ओके। नेहा कोपरडे, यू आर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट भी अगर यहाँ डालते हैं तो मुझे थोड़ा सा समझ में आएगा। चलो आपका डिस्ट्रिक्ट भी कमेंट करो, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कहाँ से ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्या है, एन अर्थ सैटेलाइट ऑफ मास एम, अर्थ का सैटेलाइट है उसका मास एम है, रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट उसकी एच है, मास उसका एम है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस आर है इस तरह से, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इन ऑर्बिट इस तरह से, ये भी इक्वेशन मैंने दिया है आपको, इस तरह से इक्वेशन दे दिया है मैंने, स्मॉल जी के बराबर मैंने इक्वेशन आपको तैयार करके दिया है, ओके। तो इस तरह से ये वी ओ इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर है, जी एम बाय स्मॉल आर। सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो उज्ज्वला, रूपाली शिंदे, आदेश पोपले, गौरव गवळे, रूपाली शिंदे, नेहा, विजय शिंदे, चलो सबको मैं बोल रहा हूँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप यहाँ टाइप करो, लोकेशन भी, यानी कि मुझे एक समझ में आए कि वीडियो बच्चे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आपको मालूम है, तो ये देखो जी एम के बराबर क्या है, जी एम के बराबर जी आर स्क्वायर इस तरह से आता है, ओके। तो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट सम हाइट से है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। नेहा कोपरडे, डिस्ट्रिक्ट सांगली, ओके। चलो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, रूपाली शिंदे फ्रॉम पुणे, ओके। चलो फ्रॉम पुणे, ओके। चलो फोर्थ नंबर का आंसर दे दो, सबका डिस्ट्रिक्ट लिख दो। गौरव गवळे फ्रॉम धुळे, ओके, वेरी गुड, पुणे धुळे, ओके। सब बच्चे अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करें, आपका डिस्ट्रिक्ट और तालुका भी हुआ तो अच्छा रहेगा, यानी कि तहसील प्लेस भी आपका अगर आपने लिखा तो अच्छा रहेगा, ओके। चलो इसका आंसर दे दो, फोर्थ नंबर का आंसर मैंने आपको यहाँ दे दिया है, क्या है, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, चलो कंसिडर अ सैटेलाइट दिया है मैंने आपको, कंसिडर अ सैटेलाइट गोइंग
कंसिडर अ सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर एक सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन कर रहा है, इट रिवॉल्व राउंड द अर्थ, ओके, तो इसका इट इज फ्रीली फॉलिंग, इट्स सरफेस नो एक्सलरेशन, सफर्स नो एक्सलरेशन, इट इज मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कौन सा? कंसिडर सैटेलाइट गोइंग राउंड द अर्थ, गोइंग मना मूविंग मना, अर्थ इन ऑर्बिट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट सफर्स नो एक्सलरेशन, ओके, इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कौन सा आंसर करेक्ट है? इट सफर्स नो एक्सलरेशन, इट सफर्स नो एक्सलरेशन, ओके, दिस इज द रॉन्ग। चलो थोड़ा सा फास्ट आंसर दे दो, फास्ट, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा बच्चों को? सुबह तो इंटरनेट बहुत अच्छी तरह से चलता है, सुबह तो बहुत इंटरनेट अच्छी तरह से चलता है। केशव यादव मुंबई परेल, वेरी गुड। नेहा कोपरडे माय डिस्ट्रिक्ट सांगली, तालुका शिराला विलेज देववाड़ी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी, ये आंसर फिफ्थ नंबर का आंसर मैंने दे दिया है, डी आंसर है, यानी कि इट सफर्स नो एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं रहता, ओके। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ, टू सैटेलाइट ऑफ मासेस, एक का मास है M1 और दूसरे का मास है M2, बट M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी कि M1 का मास ज़्यादा है, आर रिवॉल्विंग राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 एंड R2, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ओके, R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मास भी अगर ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा दी है, ओके, रेस्पेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दियर स्पीड्स V1 एंड V2, V1 एंड V2 को कंपेयर करके कौन सा यहाँ का सेंटेंस करेक्ट रहेगा, कौन सा यहाँ सेंटेंस करेक्ट रहेगा? तो आपका इक्वेशन मान लो V=, पता है आपको, कैपिटल जी अंडर रूट Gm/R, ओके, इफ आपको दिया है यहाँ R1 इज ग्रेटर देन R2, बरोबर है, तो आपको मालूम है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट R है, बरोबर है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो अगर ये R इसके बराबर लेते हैं तो V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1, बोले तो V1 इज लेस देन V2, इस तरह से V1 इज लेस देन V2, कौन सा है इक्वेशन अल्टरनेटिव? B इज द करेक्ट। ओके, मी लातूर मधून आहे, लातूर पॅटर्न, आय एम फ्रॉम लातूर डिस्ट्रिक्ट। लातूर पॅटर्नमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे। लातूर पॅटर्नमध्ये कशा पद्धतीने घेतलं जातं त्याच पद्धतीने मी तुमचं घेतोय प्रिपरेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, अ सॅटेलाइट विच इज जिओ स्टेशनरी इन अ पर्टिक्युलर ऑर्बिट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट। और एक बार देखो, अ सॅटेलाइट विच इज जिओ स्टेशनरी बोले तो अर्थ के बराबरी में वो आपको स्टेशनरी दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली स्टेशनरी नहीं होता, वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड से अर्थ में अर्थ को रिवोल्यूशन करता है, अर्थ के अराउंड दैट कैन परफॉर्म द रिवोल्यूशन, ओके, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, ओके, ऑर्बिट। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इन न्यू ऑर्बिट इज 2 times दैट ऑफ द अर्लियर ऑर्बिट। देखो, अ सैटेलाइट विच इज जियो स्टेशनरी इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज टेकन टू अनदर ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में ले गए उसे, तो क्या हुआ? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन अ न्यू ऑर्बिट इज 2 times ऑफ दैट अर्लियर ऑर्बिट, यानी कि उसका डिस्टेंस बढ़ गया है, ओके, बढ़ गया है, तो इसका यहां आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा बताओ जल्दी,
फास्ट, सेवेंथ नंबर का आंसर, सेवेंथ। सेवेंथ डी दिखाया आपने, डी। आपको ये तो मालूम है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बरोबर है। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक देखो इफ आर, ये दोनों की बराबरी में दिया गया है, इफ आर इज डबल्ड बिकम्स डबल्ड, ओके, देन टाइम पीरियड विल बिकम्स, टाइम पीरियड क्या होगा, विल बिकम्स टू इसका पावर, तो इस तरह से आएगा, यानी कि आपको क्यूब रूट डिटरमाइन करना पड़ेगा और उसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ओके। तो न्यू टाइम पीरियड विल बी, किस तरह से रहेगा वो, 24 आवर्स है इंटू टू रूट टू आएगा, यानी कि आपको कैसा आएगा, ये टू रूट टू, यानी कि 24 इंटू टू इज द 4, 42 और रूट टू, यानी कि इक्वेशन नंबर अल्टरनेटिव सेकंड आएगा, अल्टरनेटिव सेकंड इज द करेक्ट। बी क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर एट, एट नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर टू गिवन टू द सैटेलाइट टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन सो दैट द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबाउ द अर्थ एटमोस्फियर। और एक बार देखो, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिवन टू द सैटेलाइट टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड टू द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू द गिवन सो दैट द सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबाउ अर्थ एटमोस्फियर, ओके, जस्ट अबाउ अर्थ एटमोस्फियर है। चलो क्या रहेगा इसका आंसर, तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको पता है, दिस वन इज द हाफ एम वी ई स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, ओके, और इसका वी स्क्वेयर है, यानी कि वी की वैल्यू आपको मालूम है क्या है, 2gm बाय कैपिटल R है स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आएगा, हाफ m 2gm बाय कैपिटल R, तो ये 2 गेट कैंसल, खाली बचेगा g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय R, इस तरह से ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो क्या रहेगा, तो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर, वही सेम से आएगा सेम, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, एस्केप्स टू द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड रिक्वायर्ड सो दैट द सैटेलाइट मूव इन, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिवन सैटेलाइट टू एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, उसी तरह से तो क्या दिया गया है, तो देखो हाफ एम इन ब्रैकेट 2gm by r whole square, gmm by 2r, कौन सा आंसर है, gmm by 2, यानी कि जो कुछ भी है उससे वो हाफ है, रेशियो बिटवीन टू एनर्जीज टू। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, नाइन्थ नंबर क्या है, एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 120 किलोमीटर हाइट उसकी 120 किलोमीटर है अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ जेंटली ड्रॉप्स अ स्पून आउट ऑफ स्पेस शिप द स्पून विल, और एक बार, एन एस्ट्रोनॉट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 120 किलोमीटर
120 किलोमीटर अबव, 120 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर वो 120 किलोमीटर ऊंचाई से वो रिवोल्यूशन कर रहा है। जेंटली ड्रॉप अ स्पून, एक स्पून फेंक दिया है, ओके, आउट ऑफ द स्पीड, देन द स्पून विल, स्पून के बारे में क्या होगा, फॉल वर्टिकली डाउन टू द अर्थ, वो सीधा अर्थ पे आएगा, मूव टूवर्ड्स द मून, मून की तरफ जाएगा, जेंटली ड्रॉप टू द स्पून, एस्ट्रोनॉट, ओके, विल मूव अलोंग विद द स्पेसशिप, स्पेसशिप के बराबर जाएगा, विल मूव इन अ इन एन इरेग्युलर वे, देन फॉल डाउन टू द अर्थ। चलो क्या रहेगा ये, इसका आंसर क्या रहेगा, नाइन्थ का आंसर सी रहेगा, बराबर है, विल मूव अलोंग विद द स्पेस शिप, स्पेस शिप के बराबर वो मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, द वेलोसिटी ऑफ स्पून विल बी इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर यानी कि सैटेलाइट की वेलोसिटी के बराबर इस स्पून की भी वेलोसिटी हुई रहती है। जैसे कि आप अगर बस में बैठते हैं, बस में बैठते हैं तो बस में बैठने के बाद अगर आप बस के बाहर थोड़ा जंप करोगे, बाहर जब बहुत बार ऐसा होता है कि बस जब खड़ी होती है तो उस वक्त हम थोड़े से जल्दी में जल्दी उतर जाते हैं, तो हमें बस के बराबर भागना पड़ता है, अगर हम बस के बराबर नहीं भागे तो हम जमीन पे गिरते हैं। उसी तरह से क्योंकि बस के बराबर हमारे बॉडी का इनर्शिया हुआ होता है, उसी तरह से सैटेलाइट के बराबर स्पून का भी वेलोसिटी आई रहती है, इसलिए वो स्पून भी सैटेलाइट के बराबर मूव करता है। यानी कि अल्टरनेटिव कौन सा है, सी अल्टरनेटिव इज दी करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, टेंथ नंबर, द पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अराउंड अ प्लैनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एक द मास ऑफ द प्लैनेट, बी द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, सी मास ऑफ द सैटेलाइट, एंड डी ऑल द थ्री पैरामीटर्स। कौन से करेक्ट है बताओ, इसमें से किसके पर किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपको मैंने बता दिया है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट जीएम बाय आर, इस तरह से इक्वेशन आपको दिया गया है। तो इसमें स्मॉल एम टर्म आती है क्या, नहीं, तो स्मॉल एम टर्म नहीं होने की वजह से उसके मास के ऊपर उसकी वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। ओके चलो नेक्स्ट, टेंथ नंबर, इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस, वेरी क्लोज टू इट्स सरफेस, ओके, देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी मेनली डिपेंड्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी मेनली डिपेंड्स, इफ अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ वेरी क्लोज है टू द इट्स सरफेस, देन ऑर्बिटल वेलोसिटी मेनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सैटेलाइट ओनली, मास के ऊपर तो नहीं रहता, रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, ऑर्बिटल रेडियस ओनली एंड मास ऑफ द अर्थ ओनली, किसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो जल्दी बताओ, 11 नंबर, विच इज द करेक्ट, 11th नंबर, आपको यह मालूम है वेरी क्लोज अगर है तो VO इक्वल्स टू अंडर रूट GR है, अंडर रूट GR, जी है क्या, यहाँ ग्रेविटेशन दिया है क्या, नहीं दिया, ओके, खाली रेडियस दी है, अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, रेडियस ऑफ अर्थ, अगर वेरी क्लोज से रिवोल्यूशन करता है तो अर्थ ऑर्बिटल रेडियस ओनली, बी करेक्ट आंसर इज दी बी, बिकॉज VO इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर है। ओके चलो आगे का लेते हैं, 12th नंबर, चलो थोड़ा सा जल्दी, सबका आंसर चाहिए मुझे, चलो चलो फास्ट फास्ट,
रूपाली शिंदे, चलो फास्ट मूव। जो बच्चे देख रहे हैं सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका आंसर चाहिए, सबका। खाली चार पांच जनों आंसर दे रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, खाली पांच बच्चे का ही आंसर, पांच छह बच्चे का ही आंसर आ रहा, खाली सबका आंसर चाहिए, सबका। ओके चलो, ट्वेल्थ नंबर, द रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिले बोले तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द टीवी प्रोग्राम, जो रिले ऐसा अगर आपको एमसीक्यू में आया तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट समझ लीजिए। द टीवी प्रोग्राम कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि इस तरह से समझो, ये अर्थ है। द रिले सैटेलाइट ट्रांसमिट द टीवी प्रोग्राम कंटिन्यूसली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर बिकॉज ऑफ, यानी कि समझो एक रिले सैटेलाइट इस तरह से, अगर इधर कुछ तो भी प्रोग्राम चालू है तो इसका वो रिले करता है, इस तरह से वो ब्रॉडकास्ट करता है दूसरी तरफ, और इधर के सैटेलाइट को जाके वो दूसरी तरफ, यानी कि इस तरह से तीन सैटेलाइट अर्थ को कवर करते हैं, तीन सैटेलाइट समझो ये अर्थ है, तो इस तरह से एक इधर एक सैटेलाइट रहता है, दूसरा एक सैटेलाइट इधर रहता है, और थर्ड सैटेलाइट इज इन दिस वे, यानी कि इन तीनों के बीच जो एंगल रहता है, ये जो एंगल रहता है 120 डिग्री रहता है, कितना 120 डिग्री अगर आप एडिशन करोगे तो 120 आएगा 360, 120 डिग्री में सैटेलाइट्स अरेंज किए जाते हैं, यानी कि तीनों भी सैटेलाइट्स एक दूसरे को 120 डिग्री से अरेंज होते हैं, यानी कि समझो इस तरह से सेंटर में अर्थ है तो एक इधर रहता है, एक इधर रहता है और एक दूसरी साइड पर रहता है, यानी कि किसी भी तरह से अगर कुछ प्रोग्राम कौन से भी देश में अगर होता है तो समझो इधर एक प्रोग्राम चालू है तो इसका रिकॉर्डिंग इसकी तरफ आता है, और ये दोनों तरफ, यानी कि इसी भी सैटेलाइट को, इस भी ये भी सैटेलाइट को ट्रांसमिट करता है और ये भी सैटेलाइट को, और इधर हुआ तो ये दोनों भी सैटेलाइट को, यानी कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। आपको मालूम है जैसे कि नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम अमेरिका में चल रहा था, ओके तो उस वक्त ऑल ओवरऑल वर्ल्ड में उसका रिले हुआ था, ओके उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 13 नंबर, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी गो राउंड अ प्लैनेट पी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियाई, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियाई दी गई है 4R एंड कैपिटल R रेस्पेक्टिवली, 4R एंड कैपिटल R रेस्पेक्टिवली, ओके इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट ए इज 3V the speed of the satellite B will be, the speed of the satellite B, जो satellite B है उसकी speed क्या रहेगी, okay उसकी speed क्या रहेगी, इस तरह से आपको पूछा गया है, okay the satellite, तो आपको मैंने ये दिया है, आपको formula तो ये पता है, A B C D alternatives है, ये देखो मैं hint दे रहा हूँ आपको, GM by capital R है, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए, ए सैटेलाइट की स्पीड 3V हो गई है, ओके रेडियस 4R एंड R थी, तो देखो इस तरह से आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वी ए बाय वी बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर बी बाय आर ए, आर बी बाय आर ए, तो चलो बताओ क्या रहेगा, तो आर बी बाय आर ए, तो R एंड ये रहेगा 4R, इस तरह से ये R R कैंसल हो गए, तो वी ए बाय वी बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/4, यानी कि वी ए बाय वी बी इज इक्वल्स टू 1/2, इस तरह से आएगा यानी कि वी बी इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ वी ए, यानी कि V 2 times, सॉरी कितना टाइम्स है, 6 है, तो उसको अगर ट्वाइस करेंगे आप तो इंटू 3 into 2, इस तरह से आएगा, दैट इज द 2 into 3 V, यानी कि 6V आएगा, 6V।
चलो नेक्स्ट 40 नंबर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस हैज अ टाइम पीरियड लेस दैन दैट ऑफ द नियर अर्थ सैटेलाइट मूव्स फास्टर दैन नियर अर्थ सैटेलाइट इज स्टेशनरी इन द स्पेस अ जियो स्टेशनरी रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर सैटेलाइट पोलर एक्सिस रिवॉल्व्स अबाउट द पोलर एक्सिस अबाउट द पोलार एक्सिस 40 नंबर का आंसर है 40 नंबर का रिवॉल्व्स अबाउट द पोलार एक्सिस पोलार एक्सिस से वो रिवॉल्व करता है जो स्टेशनरी है अर्थ इस तरह से है ओके ये पोल रीजन है तो ये पोलार एक्सिस है एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल सो इट इज कॉल्ड एज पोलार एक्सिस और इस तरह से ये रिवॉल्व करता है ओके इसे हम पोलर एक्सिस कहते हैं यानी कि क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है हमारा यहाँ दिस वन इज द करेक्ट दिस इज द करेक्ट हेलो हाँ कौवा मग हाँ कोणत्या इट्याला कोणत्या इट्याला ही झाला का बर एक एक बर बर एक 10 मिनिटांना लगेच फोन लावतो मी हो बर एक पीरियड चालू आहे 10 मिनिटांमध्ये लगेच लावतो मी चालेल की हां हो ओके अ सैटेलाइट घर से फोन था मम्मी का फोन था माँ का फोन था इसलिए माँ का फोन उठाना पड़ा दूसरे किसी का फोन नहीं उठा था मैं खाली माता पिता का फोन सबसे ज़्यादा उनको प्रायोरिटी ओके अ स्मॉल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस अ स्मॉल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर अर्थ सरफेस इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी नियरली उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहेगी ओके ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी बताओ जल्दी थोड़ा बताओ 50 नंबर का आंसर अ स्मॉल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी नियरली उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहेगी वेरी क्लोज ओके तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड चलो इसके बाद नेक्स्ट 60 नंबर अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इट्स स्पीड अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट इट्स स्पीड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द ऑर्बिट इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट इज द ग्रेटेस्ट देखो इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द इन द ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट में हर जगह उसकी वेलोसिटी सेम रहती है क्या इज द ग्रेटेस्ट व्हेन इट क्लोजेस टू द अर्थ यानी कि अगर वो अर्थ के नजदीक आता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्या इज द ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ यानी कि दूर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती है क्या गोज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इस तरह से कौन सा करेक्ट है बताओ 15A बता दिया बराबर है 16 का बताओ जल्दी थोड़ा फास्ट चलो जल्दी फास्ट तो 16 का व्हेन जब वो क्लोज आता है यानी कि अर्थ के क्लोज जब आता है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है ओके नेक्स्ट उसके बाद 70 नंबर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ
इन अ सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबाउट द अर्थ सर्फेस वी, ओके ऑर्बिटल वेलोसिटी वी है जस्ट अबाउट द अर्थ सर्फेस। फॉर द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ अल्टीट्यूड ऑफ द हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज, क्या रहती है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रहती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज ओके तो इसका फार्मूला भी आपको मैंने दिया हुआ है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। इस तरह से अगर आप दो इक्वेशन तैयार करके उसका कंपैरिजन करेंगे ओके तो इस तरह से वी टू इक्वल्स टू अंडर रूट टू बाय थ्री वी वन इस तरह से आएगा, टू बाय थ्री ये आंसर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज टी देन द के ई इज प्रोपोर्शनल टू, के ई इज प्रोपोर्शनल इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन इज टी, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि पीरियड दिया है टी, देन के ई इज प्रोपोर्शनल टू, के ई इज प्रोपोर्शनल टू दैट वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय जी एम बाय आर, तो के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये दोनों का रिलेशन आपको मालूम है, तो क्या है इज वन बाय आर, आपको मालूम है इस तरह से के ई इज इक्वल्स टू देखो वी स्क्वायर है बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लिया हमने, और वी को वी तो आपको मालूम है वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर है, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा यानी इस तरह से दिस इज द के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और क्या दिया, सैटेलाइट ऑफ द टाइम पीरियड रिवोल्यूशन टी देन के ई दिया है के ई, तो आपको मालूम है क्या मालूम है आपको दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। उसी तरह से अगर आप स्टेप लेते हैं यानी कि आर और टी का कंपैरिजन करते हैं तो के ई इज इक्वल्स के ई इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बाय इस तरह से क्यूब रूट, कौन सा आता है ये देखो इस तरह से माइनस इस तरह से आएगा, ये 80 नंबर डी आएगा, डी 80 नंबर का डी आएगा। डी आएगा ओके okay. उसके बाद लेते हैं 90 नंबर, इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सर फ्रॉम द अर्थ इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इफ द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज नेग्लिजिबल ओके चलो फास्ट थोड़ा सा फटाफट आंसर पाहिजे, इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आर द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज 90 नंबर ये दे दिया है ना आपको, सिंपल है। उसके बाद 20th नंबर का, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन, रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करती है, 20 नंबर किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द सैटेलाइट इज टाइम पीरियड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट
ओके बताओ किसके ऊपर है? ये 20th का आंसर है, 20th आंसर, यू टेल मी फास्ट, 20th का आंसर आपको ये मालूम है किसके ऊपर डिपेंड है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्रॉम फॉलोइंग, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज डिपेंड्स ऑन, ये देखो इस तरह से आपको फार्मूला मालूम है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम है। अगर इसे आप स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी एम है। आपको रेडियस के बराबर देना है, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो किसके ऊपर है? डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट, पीरियड एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डी मास ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट कहा है ना यहाँ, ये गलत है, ये गलत है। मास ऑफ सैटेलाइट कहाँ गया है? मास ऑफ सैटेलाइट नहीं है, ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, मेरा गलत हो गया था, कैपिटल डी इज द करेक्ट, कैपिटल डी इज द करेक्ट, सॉरी अल्टरनेटिव डी इज द करेक्ट, 20th का अल्टरनेटिव डी इज द करेक्ट है। ओके तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ले लिया है, 20 क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बता दीजिए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर भी करिए, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक है, उसके ऊपर इसे शेयर करिए। मेरे लिए इतना तो करिए, कम से कम मेरे लिए इतना तो करिए कि आपके पास जो कुछ भी सोशल साइट आप यूज इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर आप इसे शेयर करिए। इसके नीचे, ये वीडियो के नीचे जो शेयर बटन रहता है वहाँ क्लिक करिए, एक एरो रहता है शेयर के ऊपर, और वहाँ जाके आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह रहता है उसके ऊपर आप शेयर करिए, और शेयर करके मुझे भी हेल्प करिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुँच सकूँ, और मैं खाली आपके जरिए ही पहुँच सकता हूँ। अगर आप खुद पढ़ रहे हो, खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप दूसरे को नहीं बता रहे हो, दूसरों को शेयर नहीं कर रहे हो, तो दूसरे का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए, दूसरे भी पढ़ने चाहिए, यानी कि मेरा तो भला होगा ही होगा, लेकिन मेरे साथ दूसरों का भी भला होना चाहिए, ये आप एटीट्यूड रखा करो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए एक बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत ही एनर्जी देता है, यानी कि मैं ये अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये मुझे इससे समझ में आता है, लाइक से समझ में आता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है तो मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये इसका मीनिंग होता है। तो चलो हम अभी ठहरते हैं, दोपहर 2 बजे सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए, और रात 8 बजे फिजिक्स के लिए मिलते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो अभी ठहरते हैं, मेरे साथ आपने टाइम बिताया, मुझे आपकी सेवा करने के लिए मुझे टाइम दे दिया, एक संधि दे दी, चांस दिया मुझे आपने, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओके तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय।